अस्सलामुअलैकुम। इंसान और जानवर में फ़र्क है, तो फिर क्यों इंसान जानवर जैसा बन गया है? हम सबको पता है कि इंसान और जानवर में फ़र्क है। जैसे जानवर में अकल नहीं, लेकिन इंसान में अकल है। आप गौर करें कि जानवर का क्या काम है, खाना और फिर सो जाना। लेकिन आजकल के इंसान वो भी तो अक्सर औकात यही कर रहे हैं, खा पी कर ऐश से ज़िंदगी गुजार कर महंगे और ब्रांडेड चीज़ें खरीद कर खुश हो जाते हैं और रात को मज़े से सो जाते हैं, ये सोचे बगैर कि इनका फ़र्ज भी है कुछ। दुनिया में अल्लाह ने ऐसे ही ऐश परस्त बनने के लिए थोड़ी भेज दिया था इंसान को। जानवर के जैसे खाने पीने और सोने के अलावा भी ज़िंदगी में काम। दीन से दूर लोग ये बात समझ लें कि हमने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करना है, नमाज, कुरान मजीद और तमाम फ़र्ज इबादात के साथ अपने फ़राइज़ और हकूकुल इबाद भी पूरे करने हैं। मगर यहाँ हर इंसान को खुद की बड़ी है, कोई किसी का नहीं सोच रहा, ना अल्लाह पाक का हक अदा करने की कोशिश करता है, ना ही इंसानों का। अरे आप कोशिश तो करो, अल्लाह पाक मदद करेगा। और दीन से हम दूर हैं तो इसमें भी हमारा ही कसूर है कि हम इसको जानने की कोशिश ही नहीं करते, दूर दूर रहते हैं, सारा वक्त फ़ोन को देते हैं और अपनी मर्ज़ी यानी नफ्स और शैतान की सुनी जा रहे हैं। आज सोचें ज़रा कि आप किस मुकाम पर हैं, अपना मुहासबा करें।